अगेन वेलकम टू ऑल इन ऑफिशियल चैनल महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 5 दिस वीडियो फॉर स्टैंडर्ड 1 चैप्टर 5 मैथमेटिक्स पार्ट 2 दैट मींस दिस इज सेकंड वीडियो फॉर दिस चैप्टर। इन चैप्टर नंबर 5 वी हैव टू स्टडी अबाउट द ऑर्डिनल नंबर। हम लोग चैप्टर नंबर 5 में ऑर्डिनल नंबर के बारे में पढ़े थे और कल भी हम लोग कुछ इसके बारे में डिस्कस किए थे बेसिक कॉन्सेप्ट में कि सर अभी जो चैप्टर 5 चल रहा है वो क्या है। तो आपको कोई पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर अभी तो ऑर्डिनल नंबर चल रहा है, तो और पूछेंगे आपको कि ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि ऑर्डिनल नंबर ये होता है जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजिशन को बताता है। क्या बताता है? उसके पोजीशन का। तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में कुछ क्वेश्चन जो दिए थे और कि आप लोग घर से कर लीजिए वो आप लोग कर लिए होगा। पेज नंबर 54 और 55 हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो हम लोग कर चुके थे। आई होप यू हैव कंप्लीटेड नाउ। आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना पेज नंबर 54 और 55। तो आज हम इससे आगे की थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जो क्वेश्चन बाकी था उससे आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके पास बुक है ना, तो बुक खोलिए पेज नंबर 56। बुक का पेज खोलिए पेज नंबर 56 और 56 में देखिए हम लोग अभी मैच करेंगे। क्या लिखा हुआ है? मैच द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में है फर्स्ट। फर्स्ट का स्पेलिंग क्या होता है? एफ आई आर एस टी। फर्स्ट, फर्स्ट को इसे मैच कर दिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, फोर्थ खोज के देखिए सेवेंथ है, फिफ्थ है, फोर्थ, यहाँ थ्री, तो बी को थ्री से फोर्थ के साथ मैच कर देंगे। एफ ओ यू आर टी एच, फोर्थ का स्पेलिंग एफ ओ यू आर टी एच, फोर्थ, ठीक है। देखिए सी नंबर को, सी में है सेवेंथ। क्या लिखा हुआ है? सेवेंथ। सेवेंथ का स्पेलिंग खोजेंगे एस ई बी ई एन टी, फर्स्ट में है, तो सी को फर्स्ट से मैच कर देंगे, ठीक है। चलिए डी नंबर में क्या है? नाइन्थ है। क्या है डी नंबर में? नाइन्थ है। नाइन्थ को का स्पेलिंग खोजेंगे, सेवेंथ हो गया, फिफ्थ बाकी है, एफ आई एफ टी एच, एफ ओ यू आर टी एच, एन आई एन, ये देखें एन आई एन टी एच, नाइन्थ है ना, तो डी को क्या से मिलाएंगे? फोर से। फोर में क्या है? नाइन्थ, एन आई एन टी एच दिया गया है ना। फिर ई, और ई में क्या दिया गया है? फिफ्थ। फिफ्थ का स्पेलिंग एफ आई एफ टी है, देखिए यहाँ पे टू नंबर में, तो ई को टू नंबर से मिला देंगे फिफ्थ। तो आप लोग याद रखिएगा ए को फाइव से, ए को फाइव से, पेज नंबर आप खोले हैं ना 56, ए को फाइव से, बी को थ्री से, सी को वन से, डी को फोर से, ई को टू से, ठीक है। यह कंप्लीट कर लिया है, कर लिया ना। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं हम लोग पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 में हम लोग करेंगे एक्टिव टाइम है। एक्टिव टाइम मतलब कुछ करना हो, कुछ जैसे आप लोग प्रैक्टिकल करते हैं, कोई भी चीज़ का प्रैक्टिकल करते हैं या कोई एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। ठीक है, यह एक्टिविटी है, कलर करना है आपको, तो कलर निकाल लीजिए पहले। कलर बॉक्स है आपके पास? कलर बॉक्स नहीं है तो ले आइए, आप ले आइए। आपका बोर्ड में रखे थे ना, कहाँ रखे थे? स्टडी टेबल पे, कहाँ भूल गए, याद नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, किसी से लीजिए ना, कोई छोटा भाई छोटी बहन या किसी भी बड़े भैया किसी से ले लीजिए ना, ले लीजिए, ले लीजिए पहले, तब हम बताएंगे। लीजिए, लेकर आ गए। चलिए तो चलते हैं। कहता है कि कलर द फर्स्ट स्कूप ब्लू। फर्स्ट स्कूप जो है उसको क्या जैसे करना है? ब्लू से, इसलिए हम बी लिख दिए। कलर द नाइन्थ स्कूप येल्लो। नाइन्थ स्कूप को क्या करना है? येल्लो से करना है। कलर द सेकेंड स्कूप ग्रीन। सेकेंड को क्या चीज से? ग्रीन से। देखिए फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड को ग्रीन से, तो जी लिख दिए हैं। क्या लिख दिए हैं? जी। अच्छा से लिखते नहीं पता चल रहा है। चलिए अब पता चल रहा है, जी पता चल रहा है ना, हाँ। नहीं, उसके बाद फोर्थ स्कूप को पर्पल से। फोर्थ को पर्पल से, देखिए फोर्थ को आप पी लिख दिए पर्पल से,
देखिए एट को ब्राउन से, तो देखिए ब्राउन एट नंबर खोजिए आप, एट नंबर यहाँ है ब्राउन से, तो देखिए हम ब्राउन लिख दिए हैं, कलर कीजिएगा। थर्ड नंबर का देखिए यहाँ पे थर्ड है, थर्ड नंबर को क्या करना है, ऑरेंज से करना है, तो ऑरेंज हम यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर पे ऑरेंज लिख दिए हैं ओ, ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ नंबर पे क्या लिखना है, ग्रीन, क्या लिखना है, ग्रीन है, तो फिफ्थ को ग्रीन से कलर करना है, ठीक है। फिर देखिए कलर सिक्स स्कूप ब्राउन, सिक्स नंबर में देखिए कहाँ पे है सिक्स, ये है ना, तो सिक्स नंबर को क्या चीज से, ब्राउन से करना है। देखिए सेवन्थ स्कूप को रेड से करना है, तो रेड देखिए सेवन्थ का यहाँ है, हम यहाँ पे रेड लिख भी दिए हैं, देख रहे हैं आपको, दिख रहा है कि नहीं, ठीक। और आई कलर माई कोन, हर अपना जो कोन है उसको तो हम कलर कर चुके हैं, माई कोन है मेरे कोन क्या है, सेवन स्कूप्स, कितने कोन स्कूप्स है, तो नाइन था ना, तो यहाँ पे लिख देंगे नाइन, क्या लिखेंगे आप, नाइन लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप नाइन लिख लीजिएगा। हाँ तो आप लोगों को समझ में आया आज का क्लास, थैंक्स फॉर।